हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज होता है? चुका हूँ, चुकी है या चुके हैं, या चुको हो, या चुका है या चुकी है, आए, इस सेंस में प्रेजेंट का परफेक्ट का यूज़ होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी है या चुकी हूँ, चुके हैं, चुको हो या चुकी हो, चुका है, चुकी है इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। क्या? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुके हों ये इत्यादि रहे, उस क्रिया का अनुवाद क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा। चुका है, चुके यूज़ कैसे होगा? वे खा चुका है, वे पढ़ चुका है, वे सो चुका है, इस तरीके से चुका है, चुके यूज़ होगा। ही शी इट राम के साथ हैज़ यूज़ होता है, तथा अन्य के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे, यू, इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्लूरल है। अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सीखें। जैसे आई हैव रीड, आई हैव नॉट रीड, हैव आई रीड और हाउ हैव आई रीड। सिंपल सेंटेंस भी बनाए मैंने, निगेटिव में भी बनाए हैं, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली में भी बनाए। हाउ हैव आई रीड, अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, और बल्कि थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस टेंस में। अब कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाएंगे तो मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। रीड सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। प्लूरल में हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। सेकेंड पर्सन आप पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। क्या यूज़ हो रहा है इसमें? हैव, क्योंकि यू हैव रीड इसे सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं, यू को प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। यू हैव रीड, आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव रीड। थर्ड पर्सन, वे या राम पढ़ चुका है, ही शी इट राम हैज रीड। इन सबके साथ क्या यूज होगा? हैज, ही शी इट राम हैज रीड। वे लोग या लड़के पढ़ चुके हैं, दे द बॉयज हैव रीड। अब हम सेंटेंस भी बनाए मैंने कुछ, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म है ये ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। सेकेंड इज तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। थर्ड इज वे सो चुका है, ही हैज स्लैप। ये स्लिप की थर्ड फॉर्म है स्लैप, ही हैज स्लैप्ड। फोर्थ इज मेरा भाई खेल चुका है, माई ब्रदर हैज प्लेड। ये थर्ड फॉर्म है प्लेड की, प्ले की, प्लेड। माई ब्रदर हैज प्लेड। वे जा चुका है, ही हैज गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन। तुम दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन दिल्ली। तुम दिल्ली जा चुके हो, यू हैव गॉन दिल्ली। अब निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट का? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर इसके साथ नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो पता ही आपको क्या कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। मैंने नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन। सेकेंड इज तुमने नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड। तुमने नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड। वे नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लैप्ड। वे नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लैप्ड। मेरे भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। मेरा भाई नहीं खेला है, माई ब्रदर हैज नॉट प्लेड। उसके दोस्त नहीं आए हैं, हिज फ्रेंड्स हैव नॉट कम।
उसके दोस्त नहीं आए हैं, हिज फ्रेंड हैव नॉट कम। कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है, ये नहीं देख चुका है। कृष्णा हैज नॉट सीन द ताजमहल, कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है। कृष्णा हैज नॉट सीन द ताजमहल। लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, द बॉयज हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। तोड़ना ब्रोकन, द बॉयज हैव नॉट ब्रोकन द चेयर। श्याम और कमल नहीं गए हैं, श्याम एंड कमल हैव नॉट गॉन। श्याम और कमल नहीं गए हैं, श्याम एंड कमल हैव नॉट कम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हैज़ या हैव का। सबसे पहले हैज़ या हैव यूज़ होगा, प्लस में सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्या मैंने खाया है, हैव आई ईटन, क्या यूज़ हो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट फिर वर्ब। हैव आई ईटन, क्या तुमने पढ़ा है, हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ा है, हैव यू रीड, हैव यू रीड। क्या वे सोया है, हैज़ ही स्लेप्ट, क्या वे सोया है, हैज़ ही स्लेप्ट। क्या मेरा भाई खेला है, हैज़ माई ब्रदर प्लेड, क्या मेरा भाई खेला है, हैज़ माई ब्रदर प्लेड। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे, उसके साथ निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव यूज़ होगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस में। क्या उसके दोस्त नहीं आए हैं, हैव हीज फ्रेंड्स नॉट कम। सबसे पहले यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट कम। क्या उसके दोस्त नहीं आए, हैव हिज फ्रेंड्स नॉट कम। सिक्स्थ इज, क्या कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है। तो अब कृष्णा एक है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर हैज़ कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन कृष्णा सब्जेक्ट है हमारा, फिर नॉट और सीन, सी की थर्ड फॉर्म है सीन, देन ऑब्जेक्ट। क्या कृष्णा ने ताजमहल नहीं देखा है, हैज़ कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल। सेवंथ इज, क्या लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, हैव द बॉयज नॉट ब्रोकन द चेयर। क्या लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, हैव द बॉयज नॉट ब्रोकन द चेयर, नॉट ब्रोकन द चेयर। क्या श्याम और कमल नहीं गए हैं, हैव श्याम एंड कमल नॉट गॉन। क्या श्याम और कमल नहीं गए हैं, हैव श्याम एंड कमल नॉट गॉन। अब डब्ल्यू एच फैमिली में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, व्हेन व्हाई हाउ एक्सेक्टा का प्रयोग। व्हेन व्हाई हाउ प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हैज या हैव मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यूज़ देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। मैंने कब खाया है, व्हेन हैव आई ईटन। फ्रेंड्स क्या यूज़ हुआ, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मैंने कब खाया है, व्हेन हैव आई ईटन, व्हेन हैव आई ईटन। सेकंड इज, तुमने क्या पढ़ा है, क्या के लिए केस हुआ है, व्हाट, व्हाट हैव यू रीड, तुमने क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू रीड। थर्ड इज, वे कैसे सोया है, कैसे कैसे, हाउ, हाउ हैज ही स्लेप्ट, वे कैसे सोया है, हाउ हैज ही स्लेप्ट। फोर्थ इज, मेरा भाई कब खेला है, व्हेन, कब के लिए, व्हेन, व्हेन हैज माय ब्रदर प्लेड, मेरा भाई कब खेला है, व्हेन हैज माय ब्रदर प्लेड। अब हम डब्ल्यू एच फैमिली को यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में, व्हेन व्हाई हाउ प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हैव या हैज, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लेते हैं कैसे यूज होगा, सेंटेंस बनाए इसके। कृष्णा ने क्यों ताजमहल नहीं देखा है, क्यों के लिए वाई यूज हुआ है, वाई, ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली है। देन मेल हैंड पेपर क्या है हमारी, हैज, सब्जेक्ट क्या है हमारे, कृष्णा, और नॉट क्या है, नॉट सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। कृष्णा ने क्यों ताजमहल नहीं देखा है, वाई हैज कृष्णा नॉट सीन द ताजमहल। सिक्स्थ इज, उसके दोस्त कहाँ नहीं आए हैं, कहाँ के लिए, वेयर, ये डब्ल्यू एच फैमिली है। हैव मैन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त कहाँ नहीं आए हैं, वेयर
have his friends not come? लड़कों ने कैसे कुर्सी नहीं तोड़ी है? How have the boys not broken the chair? लड़कों ने कैसे कुर्सी नहीं तोड़ी है? How have the boys not broken the chair? 8th is, श्याम और कमल क्यों नहीं गए हैं? Why have श्याम and कमल not gone? श्याम और कमल क्यों नहीं गए हैं? Why have श्याम and कमल not gone? उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो कैसी लगे आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों को शेयर के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।